लोक निर्माण विभाग में पिछले 10 वर्षों से मुख्य अभियंता के पद पर पदस्थ अखिलेश अग्रवाल 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सरकार ने उन्हें फिर सब उसी पद पर संविदा नियुक्ति देने की तैयारी कर ली है, जिससे लेकर मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन और अजाक्स ने आपत्ति दर्ज कराई है। इसके खिलाफ दोनों ही संगठनों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि वर्तमान में इस पद की जिम्मेदारी उठाने के लिए विभाग के पास पर्याप्त लोग मौजूद हैं, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। वहीं मामले पर विधायक आरिफ मसूद, पीसी शर्मा, विपिन वानखेड़े विधानसभा में ध्यान आकर्षण भी उन्होंने लगाया है। मैं गौतम पाटिल, प्रांतीय महासचिव अजाक्स। साथियों, आपको बताना चाहता हूँ कि लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में जो प्रमुख अभियंता है माननीय अग्रवाल जी, वे 31 दिसंबर को रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन शासन स्तर पर उनके द्वारा 2 वर्ष की सेवावृत्ति के लिए आवेदन किया गया है और ये शासन स्तर पर बात चल भी रही है। हमारा निवेदन ये है कि लोक निर्माण विभाग 1956 से बना है, आज तक इतने वर्षों में भी कोई बीच का एकाध वर्ष छोड़ा जाए तो पूरे के पूरे हमारे SC ST का कोई भी प्रमुख अभियंता नहीं रहा। हमारा निवेदन है कि अगर आज की स्थिति में अगर उनको अगर सेवावृत्ति दी जाती है तो उसके कारण से होगा क्या कि जो उनके लाइन के जो प्रमुख अभियंता है, 2-3 अभी समान स्तर के, उसके बाद चीफ इंजीनियर भी 10 चीफ इंजीनियर से उनको भी 5-10 वर्षों का अनुभव है, ऐसे लोगों का लाभ नहीं लेकर अगर यदि इनको अगर सेवावृत्ति दी जाती तो उनके साथ एक कुटारघात होगा और उनके साथ अन्याय होगा। सर, क्या कारण है कि उन्हें एक्सटेंशन दिया जा रहा है? नहीं, एक्सटेंशन का कारण तो मैंने जैसा लेकिन विगत 10 वर्षों से वे निरंतर रूप से ENC की प्रमुख अभियंता के पर कार्यरत है वो है, और शायद उनकी जो भी राजनीति की इच्छा हो या जो भी संबंध हो उसके कारण से अगर वो, हम तो चाहते हैं कि अगर वो बहुत अच्छे वर्कर है तो प्रमुख अभियंता नहीं रखे, अगर कोई बहुत बहुत अच्छी गवर्नमेंट की दूसरी फर्म है, कोई प्राइवेट वाले हैं वहाँ ले ले, बहुत अच्छे अगर यही है तो, लेकिन ऐसा किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए दूसरे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति शासन ने 60 से 62 साल इसीलिए किया था कि सबको लाभ मिले, अब 62 वर्ष के 2 वर्ष के अधिक देने के बाद फिर 2 वर्ष अधिक दोगे तो ये तो सबके साथ अन्याय है। बाकी जो भी आजकल जो बेरोजगार है, अगर एक चैनल ऊपर ऊपर नहीं जाएगा तो बेरोजगारों को नौकरी कैसे लगेगी? ये बेरोजगार के साथ भी और वहाँ कार्यरत प्रमुख अभियंता जो इंजीनियर्स है उनके साथ भी अन्याय है। इसलिए हम शासन, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव, माननीय मंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, इनको भी हमने निवेदन किया, सभी ने कहा कि नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है करके, तो मेरा निवेदन ये है कि ये सेवावृत्ति होनी नहीं चाहिए। ऐसी सेवावृत्ति अगर देनी है तो कोई प्राइवेट फर्म में, कोई शासन के और भी प्राधिकरण इसमें दे जा सकते, तो यही है कि हमारा निवेदन ये है कि शासन ने इसको, कितने लोग हैं अभी विभाग में जो जिनको ENC बनाया जा नहीं है, ऐसे उनके स्तर के तो आज भी उनके स्तर के 3 अधिकारी, उसके बाद मुख्य अभियंता भी है जो वो उनको अनुभव भी है इसका, प्रमुख अभियंता के पद का 5 वर्ष का चीफ इंजीनियर उनको 10 साल का अनुभव है। मेरा निवेदन है कि क्या SC ST का व्यक्ति बनना नहीं चाहिए क्या? ठीक है। हाँ, क्या SC ST का व्यक्ति बनना नहीं चाहिए क्या? तो मेरा निवेदन ये, शुभ नाम बताया, मैं गौतम पाटिल, प्रांतीय महासचिव अजाक्स।